को सोलर चरखा के जरिए फिर से शुरू करने का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। भारतीय हरित खादी ग्रामोद्योग संस्थान की मदद से यह योजना मई 2006 में शुरू की गई थी। इस परियोजना की वजह से खनवा गांव की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नवादा की ऐतिहासिक और सामाजिक पहचान के अलावा इन दिनों एक और पहचान देश के सामने आई है और वो है यहाँ के सोलर चरखे की। दरअसल नवादा के खनवा गांव में भारतीय हरित खादी ग्राम उद्योग संस्थान की मदद से और स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह की पहल पर पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। इस परियोजना के तहत सोलर चरखे की मदद से धागों का निर्माण किया जाता है। ये जो प्रोजेक्ट है ये बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्डेड लिंकेजेस का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि हम बिलो पॉवर्टी लेवल के लोगों को, महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं और अलग अलग टेक्सटाइल के अलग अलग विभागों में, और जब उनकी ट्रेनिंग हो जाती है तो उनको हम रोजगार से लाइवलीहुड से उनको जोड़ते हैं। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे नवादा के सांसद गिरिराज सिंह ने अपने लोकसभा क्षेत्र में आदर्श ग्राम के तौर पर खनवा को चुना है। परियोजना से जुड़ने वाली महिलाओं और लड़कियों को 44,000 का सोलर चरखा महज 12,000 से 14,000 रुपए में उपलब्ध करवाया जा रहा है। कम से कम महिलाओं को 6,000 से 10,000 का, उस समय 8 टकुए की ही चरखा थी, जो न्यू अंबर चरखा, उसी को हमने सोलर से इनर्जाइज कराया। अब मैं नया अभी 10 का चला रहा हूं, जो 14 का बनकर के अब तैयार है। अब मेरा टारगेट हो गया है मिनिमम 8,000, मैक्सिमम 12,000। इस पायलट परियोजना की मदद से अभी तक केवल खनवा में 1200 चरखा बांटा गया है। दूसरी तरफ तकरीबन 1300 महिलाओं को किसी न किसी रूप में रोजगार मिला है। ये जरूरी नहीं है कि लोग पढ़ाई करके कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सोलर चरखा ऐसा है कि इंसान इसको चलाते हुए अपने आप को कुछ दिखा सकती है करके, क्योंकि इससे जो आमदनी होगा उससे वो आगे बढ़ सकती है, कुछ कर सकती है। कुछ संस्थाओं के रिसर्च ने यह बताया है कि केवल सोलर चरखा की मदद से इस गांव के बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों सेक्टर में महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव पाया गया है। नवादा से स्वप्निल।